दो तरह के जो लोग हैं ना उनसे झगड़ा ना करो। और एक एक ये लिखा हुआ था कि एक उन लोगों से झगड़ा ना करो जो कि बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो, फॉरबेयरिंग हो, तहमल वाला हो, बड़े सोच समझ के बात करने वाला हो, और दूसरा वो जो कि स्टूपिड हो। और वजह भी बताई गई, वजह बताई गई थी कि जो पहले वाला है ना, जो बड़ा रैशनल आर्गुमेंट वाला है, जो बड़ा तहमल मिजाज है, जो बड़ा सोच समझ के बात करता है, उससे अगर आप आर्गुमेंट्स करेंगे तो आप हमेशा आर्गुमेंट्स लूज़ करेंगे। तो इसलिए उससे आर्गुमेंट्स ना करें, इसलिए कि आप लूज़ करेंगे। अब इसके दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर वो आर्गुमेंट कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये बात सही कर रहा है, तो उस पर बात को समझ लें, इससे आर्गुमेंट्स ना करें, क्योंकि यू विल लूज़। क्योंकि वो फॉरबेयरिंग है, वो रैशनल है, उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, बड़े वो गुस्से में जज्बाती बात नहीं कर रहा, वो सोच समझ के डंके की चोट पे बात कर रहा है। तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि उन ऐसे लोगों से आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि यू विल लूज़ एन आर्गुमेंट और आपकी बेइज्जती होगी, नंबर एक। दूसरी तरफ कहा गया कि जो फुलिश बंदा है, जो पागल बंदा है, जो स्टूपिड है, जो इरेशनल आर्गुमेंटेटिव है, उससे बहस ना करें। और उसका जवाब ये दिया गया, उनसे इसलिए बहस ना करें कि ये आपको नुकसान देंगे। यानी कि इन बोथ केसेस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप रैशनल आर्गुमेंट वाला बंदा बैठा हुआ है, तो अगर आप इससे बहस करेंगे तो आप आर्गुमेंट्स लूज़ कर जाएंगे। और दूसरा तरफ आपके सामने इरेशनल आर्गुमेंट वाला बंदा बैठा हुआ है, उससे बहस इसलिए ना करें कि अगर आपने इससे बहस की तो ये आपकी बेइज्जती कर देगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप इस चीज़ को भी उस आयत से रिलेट करें कि जब भी आपको ये बेसमझ लोग नज़र आते हैं तो आप इनको अवॉइड करें। बेहतरीन तरीका यही है, अगर सच कह रहा है तो मान लें, और अगर आपने इरेशनल होकर उसका जवाब देने की कोशिश की तो बात बढ़ जाएगी।